सीएम के सभा स्थल में वर्दी पहनकर घुसा नशेड़ी शहडोल में दो घंटे सुरक्षा टीम के साथ घुमा, युवतियों से बात करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहडोल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। एक नशेड़ी युवक पुलिस की वर्दी पहनकर सभा स्थल में घुस गया। वह करीब दो घंटे तक पुलिस वालों के बीच ही रहा। मीडिया को उसकी हरकतें संदिग्ध लगी तो पूछताछ की गई, इसके बाद वह भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शहडोल के पॉलिटेक्निक मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा है। यहां दोपहर करीब 12 बजे एक शख्स मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंच गया। उसने शराब पी रखी थी। वह पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचकर लोगों पर रौब दिखाने लगा, फिर सभा में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली युवतियों के बीच जाकर खड़ा हो गया, उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। जब युवक सभा स्थल पर घूम रहा था तब सीएम डॉक्टर यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उसकी पहचान हो गई। सभा स्थल पर जिस गेट से सीएम डॉक्टर यादव को प्रवेश करना था, नशेड़ी युवक वहीं घूमता रहा। गेट के प्रभारी टीआई रघुवंशी ने बताया, शराबी कौन था उसके हमें जानकारी नहीं है। मेरी टीम में 9 लोग हैं, उनमें वो शामिल नहीं है। वह कौन था उसका पता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को शहडोल जिले में लगभग 6 घंटे रहेंगे। वे आभार यात्रा और संभागीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम शहडोल के जमुई हेलीपैड आएंगे। शहर में यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। कई विकास कार्यों का आधारशिला रखेंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।